स्वागत है आपका विशेष बुलेटिन में। मेरे साथ मौजूद है पिंकी खंडेलवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक गठजोड़ हुआ है। आज अकाली दल और मायावती की पार्टी बीएसपी ने 25 साल बाद फिर से मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यही नहीं, सुखबीर बादल और सतीश मिश्र की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का भी ऐलान कर दिया गया। इसके मुताबिक कुल 117 सीटों में से अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहां आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ होने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी पत्रकार से क्लब हाउस चैट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के दिए बयान पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान में कांग्रेस की सोच झलक रही है, कांग्रेस की सोच भारत विरोधी है। बीजेपी ने इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जवाब देने को कहा है। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में धारा 370 को अलोकतांत्रिक बताया था। साथ में कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में कपड़े के शोरूम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग बुझाने में दमकल की करीब 20 गाड़ियों को लगाया गया था। आग की चपेट में 5 बड़े मल्टी ब्रांड्स की दुकानें आ गई थी। आग लगने से दुकानों के अंदर रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह है कि इतने बड़े हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।